गुड मॉर्निंग गाइस, और आज एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं एक नए व्लॉग के साथ। सुबह उठ गया था 6 बजे। अभी सबसे पहले निशांत भाई आए हैं बाहर, जिन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी है। पूरी रात गाड़ियाँ ठंड में या -20 टेम्परेचर में खड़ी रही है, लेकिन इनकी गाड़ी तो हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई। आपका ये निशांत भाई की गाड़ी तो हो गई है स्टार्ट, और अभी बाकियों की कंडीशन क्या होगी देखते हैं। कपड़े पहना रखें गाड़ियों को। ये देखो, किसी ने कुछ ढक रखा है जिससे जो बन पड़ा। पेट्रोल वाली थारे हैं तो शायद उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन सबने कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ ढक दें ताकि बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना आए रेडिएटर पे और जमे ना। गाड़ियाँ भी कपड़े पहनती हैं भाई। ये रही अपनी गाड़ी, अब इसका आपको दिखाएं। ये जो पानी पड़ा हुआ है ना भाई नीचे, ये भी रात में जम गया है। ये बर्फ हो गया, बर्फ। ये देखो, ये पानी नहीं रहा, इसकी बर्फ जम गई है। तो आप सोचो गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। गाड़ियाँ स्टार्ट करना शुरू कर दिया भाई ताकि थोड़ा सा गर्म कर ले। विक्रम बन्ना की गाड़ी भी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है किसी भी गाड़ी में। राजेंद्र जी कर रहे हैं अभी, अरे गाड़ी में पानी की बोतल पड़ी है, देखो बर्फ जमी कि नहीं जमी। वाओ, वेरी गुड। अब अपन अपनी भी ट्राई करते हैं। गाड़ी का टेम्परेचर, मतलब बाहर का टेम्परेचर गाड़ी दिखा रही है -8, और अब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हो गई, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जैसे नॉर्मल स्टार्ट होती है वैसे ही स्टार्ट हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी। बाकी सब गाड़ियां तो भाई नॉर्मल स्टार्ट हो गई हैं। स्टार्ट तो कर ये भी हो गई है, बट ये नई वाली थार आप देखो स्मोक कितना दे रही है, और इसका यहाँ चिटकुल में ये हाल है तो काजा में क्या होगा। ये भाई जमी हुई नदी पे हम लोग चल रहे हैं, और कहाँ गड्ढा है कहाँ हार्ड है ये भी एक टफ सवाल है। चल रहे हैं जो पहले के मार्क्स हैं, शू मार्क्स, उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। पूरी नदी जमी हुई है इधर, आप देखो तो बीच में थोड़ा सा ये पानी आपको दिखाई देगा, और उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। तो day 3 के लिए हम लोग निकलने की फुल तैयारी में। गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सारे इंजन स्टार्ट हैं। होटल से चेकआउट कर दिया है, और 10 बजे का टाइम दिया था हमारे कमांडर ने, लेकिन मैसेज कॉपी ये वो थोड़ा सा ये रहता है कि मैसेज जब तक पहुंच गया है ना। चलो चलो, 17 मिनट लेट है, 18 मिनट। सो आवर टारगेट इज मूविंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आज हम जाएंगे टाबो में रुकेंगे, लंच हमारा बीच में रास्ते में। तो आज देखते हैं क्या एंजॉयमेंट मिलता है, क्या अलग एक्सपीरियंस मिलता है आज की ड्राइव में। अभी हम रुके हैं भाई स्पिलो लंच करने के लिए, और बाई चांस की बात है कि जहाँ हम रुके हैं और लास्ट जब मैं आया था तो हमने जो मेरे पीछे है ना रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने लंच किया था लास्ट टाइम पे,
इस बार हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम कर तो दूसरी जगह रहे हैं लेकिन जगह वही है स्पिलो। और इसको देखते ही मुझे याद आया कि हमने लंच यहाँ किया था जब सितंबर में आए थे तब। तो भाई रुके हैं एक जगह पे जहाँ लास्ट टाइम में हम रुके थे, एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है जहाँ पे बढ़िया शॉट्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू है। और अगर हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हों तो उसमें यही ब्रिज है, और इसका एक छोटा सा क्लिप लास्ट टाइम का मैं डालूँगा इसके बाद ताकि आप रिकॉल कर सकें। सेम वही लोकेशन सितंबर और फरवरी, यहाँ तो हालांकि कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि यहाँ बर्फ़ नहीं गिरी हुई है, मौसम ठंडा है लेकिन वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ अभी हम एक बढ़िया शानदार शॉट लेने वाले हैं, कैमरा बीच सड़क पे रख के और ऊपर से गाड़ियाँ निकालेंगे, तो अगर वो शॉट अपने को मिला तो इस व्लॉग में मैं उसको डालूंगा। लगता है यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। टूरिस्ट अभी दो साल से बढ़ रहा है। आपके यहाँ पे कोई होटल होटल भी है? छोटा होटल भी है, छोटा होटल भी है। हमारे होटल जो है 15 अक्टूबर से हम लोग क्लोज कर लेते हैं क्योंकि पानी वगैरह जम जाता है, तो पानी जितने भी टॉयलेट लोग कार है वो मतलब वो तो आपके घर में भी जमे हुए हैं? घर में हम लोग टॉयलेट यूज करते हैं ना। अच्छा, ड्राई टॉयलेट वगैरह अक्टूबर से लेके आपका मार्केट हो गया, गर्म हो गया, पहले जब भाई उसमें गाड़ी में आ गए उससे पहले जो हमारे दादा वगैरह परदादा वो लोग तो फिर अरे मैं दुनिया को बोलता हूँ हमारे अपना लोकल प्रोडक्ट खाना ये जो मोनेस्टी है कितनी पुरानी है? मोनेस्टी जो है ये 1025 साल 1025 साल और 1996 में जो ये पूरा 1000 ईयर यहाँ सेमिनार हुआ और यहाँ कालचक्र हुआ, नरेंद्र लामा जी आए, तो ये सिटी के अंदर पूरा अजंता एलोरा इंडिया में सबसे पुराना मॉन्स्टर बताते हैं। बाबू सर कितनी दूर है वो? वॉकिंग डिस्टेंस है, चाहिए जस्ट सामने ही है। सुबह कितने बजे खुलती है? सुबह ये 9 बजे खुलेगी। 9 बजे क्या बोलते हैं? ठीक। तो भाई लोगों आज का बेस्ट पार्ट है कि हम लोग सब साथ में बैठे हैं और यहाँ पे अपना खाने का और उसका प्रोग्राम चल रहा है, डिनर हम यहीं करेंगे। आज दिन में सिर्फ एक प्रॉब्लम रही, हमारे एक थार में कुछ इश्यूज आ गए थे तो उनको भाई लोगों को भी ले लो। पहले हमारे जो भाई जिनकी थार खराब हुई ना वो उनका दिक्कत आई, लेकिन ठीक है गाड़ी अपन ने भेज दी सर्विस स्टेशन और भेज दी सर्विस स्टेशन भेज दी और फिर आनंद महिंद्रा तक पहुंचा दो। आनंद महिंद्रा तक पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, बट अपना जो काम है वहां तक तो पहुंच ही जाएगी, पैसे तो कमा ही लेंगे यार भाई। नहीं नहीं मैंने कोई हेल्प नहीं करी, हेल्प करने वाले तो ये बैठे भाई सब सबके, ये देखो ये हारे का सारा, ये हारे का सारा है ना, ये तो बस एक आदमी इधर उधर रहे नहीं तो सारा सारा लगा देते आज। मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा। अरे हारे का सारा बाबा विक्रम से कम हारा। तो भाई आज अभी बैठ के यहाँ पे डिनर करेंगे और आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आज के डिनर में सिर्फ वेज होगा? हाँ आज तो वेज ही होगा, कल महाशिवरात्रि है, कल महाशिवरात्रि है इसलिए हमने वेज रखा है बिल्कुल। भाई खाना खाया आज बिल्कुल एकदम होम स्टे में, खाना बहुत ही शानदार वेज खाना, और खैर मेरा तो फेवरेट है वेज, मजा आया। और मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा सेटअप दिखाता हूँ, ये यहाँ का सेटअप है भाई जिसपे गरम गरम रोटी बनी है, दाल
चावल सब्जी और रोटी, और यहाँ पे ये होम स्टे के ओनर्स ये हैं, ये होम स्टे के ओनर्स हैं, बहुत ही दिल से इन्होंने आज हमारे को खाना खिलाया, मज़ा आया खाने में। और मेरी तरफ से पूरी रिकमेंडेशन है कि जो भी भाई इधर आता है टाबो में होम स्टे में रुकता है, तो मैं कोशिश करूँगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कॉन्टेक्ट करें और यहाँ पर आए और रहें।